अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पीटीबी की टेक्स्ट बुक क्लास 8 की इंग्लिश का लेसन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सबक एक पोएम है और जो कि ट्विंस के बारे में, जड़वा बच्चों के बारे में, इसका नाम भी द ट्विंस है, यानी जड़वा बच्चे। आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। इन फॉर्म एंड फीचर्स, face and limb, I grew so like my brother. अपनी बनावट और खदोखाल, चेहरे और टांगों में, I grew so like my brother. मैं अपने भाई की तरह बड़ा हुआ. That folks caught taking me for him, कि लोग मुझे वो समझने लगे. And each for one another, और हर एक को दूसरा समझना शुरू कर दिया. It puzzled all our kith and kin. इस ज़बरदस्त मुशाबियत ने हमारे रिश्तेदारों को, करीबी अजीज व अकारिब को भी मखमसे में डाल दिया. It reached a fearful pitch. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. ये मामला खौफनाक हद तक पहुंच गया क्योंकि हम में से हर एक जड़वा पैदा हुआ था, ताहम किसी भी जीरो को ये मालूम ना हो सका कि कौन कौन है. वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन मामले को मजीद बदतर बनाने के लिए, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, हमारे नाम रखे जाने से पहले, एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमें नर्स नहला रही थी, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड, हम बिल्कुल अदल बदल हो गए, मिक्स हो गए. एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, और इस तरह यकीन कर लें कि तकदीर के हुक्म से, और रेदर नर्स विम या नर्स की ख्वाहिश से, माय ब्रदर जॉन वाज नेम्ड मी, मेरे भाई जॉन का नाम मेरा रख दिया गया. एंड आई वाज नेम्ड हिम, और उसका नाम मेरा रख दिया गया. दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉज्ड, इस जानलेवा मुशाबियत ने हमेशा मुसीबत में डाला. माई फुट स्टेप्स वैन एट स्कूल, जब मेरे कदम स्कूल में थे. एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग, और मुझे हमेशा डंडे पड़ते. फॉर जॉन टर्नड आउट अ फूल, क्योंकि जॉन अहमक साबित हुआ. आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मैं ये बेसूद सवाल करता टू एवरी वन आई न्यू, हर एक जानने वाले से, वट वुड यू डू, तुम क्या करते इफ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह होते. मैं हर एक जानने वाले से ये सवाल करता कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते. To prove that you are you, ये साबित करने के लिए कि तुम हो, कि तुम ही हो. इस नज़म को लिखा है हेनरी ने, हेनरी एस लेगी ने.